श्री सतगुरु महाराज की श्री प्राणार प्यारे की श्री बाबा तेरा संगीवा की सराहिजे परम पूज्य गुरुजी ब्रह्मणी श्री दीनदयाल महाराज की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय। समस्त सुंदर सा लेकिन वो पुण्य कैसे था, हर जन्म के अंदर कमाया हुआ थोड़ा थोड़ा
अब इस जन्म के अंदर जब ऊपर वाले ने चाहा कि इस आत्मा ने इतने अच्छे कर्म किए हैं तो इनको मैं प्रोग्रेस करा दूं, उन्नति करा दूं और इनकी आत्म को पार लगा दूं, तब उन्होंने मेहर की वर्षा की। मेहर की दृष्टि डालने से क्या हुआ कि जितने सारे जन्मों के अंदर वो थोड़ा 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 पुण्य संग्रह उन्होंने किया था, वो सब को एक साथ में मिला करके ऊपर वाले ने एक ऐसा अवसर उनको प्रदान कर दिया कि जिस अवसर के अंदर उन्हें संत महात्मा के सत्संग की प्राप्ति हो गई। और सत्संग बड़ा संसार में ये तो कोई बढ़ा ही ले पाया। हम भजन श्रवण करते हैं, निरत भी कर लेते हैं, लेकिन सत्संग में भी ये कौन से तत्व का सत्संग है सुंदरसान जी? ये परम धाम की अद्वैत वाणी, और उस अद्वैत वाणी के अंदर आप देखते हैं कि सयत का भी वर्णन होता है और हकीकत का भी वर्णन होता है, उपासना का भी वर्णन होता है, लेकिन अब जो वर्णन होने जा रहा है वो भक्त श्री राजी महाराज के स्वरूप का वर्णन है। और ये वर्णन यानी कि मार्ग के वर्णन है। तो सुंदर सार जी, ये सत्संग के अंदर भी हम चरम सीमा में पहुंच करके श्री राजी महाराज के नोली स्वरूप का वर्णन श्रवण करने जा रहे हैं। तो आप अब विचार करके देखिए कि कई जन्मों के अंदर जो पुण्य हमने संग्रह किए होंगे और उन सबको मिला करके राजे महाराज की इस मेहर ने हम आपको ये संजोग दिए हैं। और इस संजोग के अंदर अगर हम छाता खोल के बैठ जाएं और कहें कि हमें तो इस अद्वैत वाणी में बिगड़ा ही नहीं, हम तो थोड़े दूरी भले हैं, तो क्या होगा? श्री राजी की ऐसी अनुकंपा, ऐसी मेहर बार बार तो होगी नहीं, और जब होती है उस समय इसका संपूर्ण लाभ लेना वो अब हमारे हाथों में है। तो साथ जी, ये मेहर के कारण ही संजोग बन जाते हैं और हम इस अद्वैत वाणी के समक्ष बैठ करके इसका आनंद ले पाते हैं। तो आप सभी सुंदर साथ जी से करबद्ध विनती है कि हम समय में आए, और हमारा यही प्रयास होगा कि 9:25 और 9:30 के बीच में इस मजल को हम विराम दे सके ताकि आप सभी अपने रूटीन कार्यों के अंदर भी लागू हो सके। लेकिन इससे भी यह जरूरी भी है कि हम समय से शुरुआत करें। तो सुंदर सार जी, अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आज की गजल का शुभारंभ करते हैं। और कल जहाँ तक हमने श्रवण किया, कौन से अंग का वर्णन श्रवण किया था? चरण अंग का। तो ये चरण अंग का जो वर्णन हम लोगों ने श्रवण किया, अब सुंदर सार जी चौपाई को दोहरा करके मजल को आगे बढ़ाते हैं। अब सुंदर सार जी, चरण अंग का वर्णन करने के पश्चात महानतम बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी श्री राजी महाराज की जो इजार है, उस इजार का
वर्णन करने जा रहे हैं। और ये इजाद तो हम सभी भी धारण करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, पुरुष भी करते हैं। हमारे इस इजाद के अंदर जो इस मायावी संसार के मायावी कपड़ों से अथवा मायावी नगों से बनी हुई हो, कोई राजा महाराजा की पोशाक आप देखें तो यहाँ के नगरत्न से वो जड़ित होगी, रंग बिरंगी वस्त्रों से अलंकृत होगी। लेकिन अब सुंदर साजी उस बका की भूम में आपको अपना ध्यान चितुन लेकर जाना है और श्री राजी महाराज की इस दिव्य इजहार का वर्णन अपने हृदय के अंदर हमने धारण करना है। तो महामति यहाँ पर वर्णन करते हैं असल इजार एक पाच की, पाच नगता अर्थात के हरे रंग का बना हुआ ये इजार प्रतीत हो रहा है। संपूर्ण इजार को देखें तो हरे रंग की असल मूल रंग कौन सा है तो के हरा रंग है। एक कई रस सब ए, और इसके अंदर में देखिए तो सारे नगरत्न जो जड़े हुए हैं यदि आप इनको स्पर्श करेंगे तो वो कैसे हैं, बिल्कुल उस कपड़े के साथ में मिले हुए हैं। अब जैसे आप यहाँ रुमाल को देख रहे हैं, इस रुमाल के ऊपर जितने बूटे लगे हुए हैं आप स्पर्श करेंगे तो कैसा फील होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से महसूस होता है। लेकिन धनी जी के उन दिव्य वस्त्रों का वर्णन इस प्रकार से किया गया कि आप परम धाम के अंदर अपने चितवन को पहुंचाइए और देखिए तो उस इजार के अंदर जितने नगरत्न जड़े हुए हैं वो सभी कैसे हैं, बिल्कुल इजार के कपड़े के साथ में मिले हुए हैं, न ऊपर न नीचे। वस्त्र समयल बनियल दिसे न सूझे कोई तार, आप यहाँ तक कि कोई बहुत उत्तम क्वालिटी का संसार के अंदर भी उत्तम क्वालिटी का कोई कपड़ा लीजिए तो उसके अंदर आपको महसूस होगा कि अलग अलग धागों से वो पूरा कपड़ा बुना हुआ है। लेकिन श्री राजी महाराज के इन दिव्य वस्त्रों के अंदर में देखिए तो कोई भी प्रकार का आपको अलगाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि जितने नगरत्न आदि जड़े हैं, जो भी दोरे धागे जितने भी उसके अंदर में लगे हुए हैं वो सब एक समान हो जाते हैं, उसके अंदर कोई भी आपको ऊपर नीचे का फर्क महसूस नहीं होता। कई बेल पात फूल बूटियां, अब धनी की इजार कैसी है, हम कैसे इजार पसंद करेंगे सुंदर साहब जी, जो रंग बिरंगी हो, थोड़ी स्टाइलिश भी होनी चाहिए है ना, और उसके अंदर कई प्रकार की नक्काशी डिजाइंस बनी हुई है। ये तो संसार में भी होता है, लेकिन श्री रांची महाराज की इस इजार के अंदर जहाँ पात फूल बेलियों की नक्काशी डिजाइने बनी हुई है वो कैसी बारीकी से बनी है, कुछ भी कहने से पूर्व एक भूमिका बांधना जरूरी है। जैसे कोई महारानी हो उसने अपने लिए रियल डायमंड का हार बनवाया और उसके नीचे जो कई बिजनेसमैन क्लास के लोग होते हैं, करोड़ों पति अरबों पति होते हैं, उन्हें तो वो हार देखकर बहुत ही अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट कॉपी बनाई और इसे देखकर और लोग प्रेरित होने लगे तो अब बन गई सेकेंड कॉपी। ऐसा करते करते वही सेम डिजाइन, बिल्कुल फर्क आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूल हार और फर्स्ट कॉपी के अंदर कोई फर्क ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन फर्क क्या होता है, उसके अंदर जो प्रयोग किए हुए डायमंड्स हैं वो बिल्कुल रियल है, प्यूरिटी से भरे हुए हैं। हालांकि जो फर्स्ट कॉपी बनती है वो कैसे, उसमें वो प्यूरिटी नहीं है, उसमें वो डायमंड्स को यूज नहीं किया गया है, वो फर्स्ट कॉपी इसीलिए है क्योंकि तदोगत डिजाइन का बना है, देखने से समझ में नहीं आता। और जब उसकी कॉपी कॉपी बनते बनते जब इमिटेशन वालों ने देख लिया तो आर्टिफिशियल आर वैसा ही बना लिया, वो तो घर घर में और प्रिय है। ये एग्जाम्पल बहुत काम का है, अब समझना
श्री राजी महाराज के पास जो भी वस्त्र भूषण अलंकार जिनका वर्णन यहाँ पर हो रहा है वो सब कैसे है, मूल है। और इसी की फर्स्ट कॉपी अक्षर ब्रह्म के पास है, लेकिन उसके अंदर में वो प्योरिटी नहीं है, वो तो मन स्वरूप है। लेकिन जो जो उन्होंने परम धाम में देखा वही वही उन्होंने संसार में भी उतारा। अब श्री राजी के अंग सर्वांगों का वर्णन होगा तो उसके अंदर में देखोगे कि वो ही श्रवण है, वो ही नासिका है, वो ही दंत है, वो ही जुबान है। लेकिन यहाँ पर श्री राजी महाराज के जो अलग अलग अंग प्रत्यंग का वर्णन है वो कैसा है, वो मूल है। और उसी से जो अक्षर ब्रह्म ने बनाया हुआ है, अक्षर ब्रह्म के खेल के अंदर प्रत्येक व्यक्ति हमारे अंदर जो आंख कान नाक आए हुए हैं वो क्या है, इमिटेशन है। अब सोचो वो महारानी जी का हार और आपके पास जो आप आर्टिफिशियल बाजार से ले आए हैं उसके अंदर कितना अंतर है। इसी प्रकार से श्री राज्य की इजार जब हम कहते हैं, श्री राज्य की इजार में लगे हुए अलग अलग प्रकार के जो पत्र फूल लीलियों के नक्काशियों का हम वर्णन करते हैं उसके अंदर आए हुए प्रत्येक नग कहें, प्रत्येक रंग पत्र फूल लीलियां, ये सब ट्रू कॉपी है। और अब जो हम पहनते हैं भले हमारे लिए वो अव्वल नंबर की होगी, हमारे लिए रॉयल होगी, फिर भी कैसी है। राजी महाराज के सामने देखो तो हमारी कौन सी है, इमिटेशन वाली ज्वेलरी है या इमिटेशन की चीजें हैं। हमारे लिए रियल गोल्ड होगा पर आप कंपेयर कर सकते हैं। तो श्री राजी महाराज के अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन जब आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको ये गैप समझना पड़ेगा कि जो हमारे अंग प्रत्यंग है वो कैसे हैं और श्री राजी महाराज के अंग प्रत्यंग वो किस प्रकार के हैं जिनको अक्षर ब्रह्म ने कॉपी किया हुआ है और इस खेल के अंदर में लाए हुए हैं। लेकिन अक्षर ब्रह्म ने स्वतः की इच्छा से नहीं किया, बनाने वाले कौन, अक्षर ब्रह्मा, परंतु आदेश किसका है वो महत्व रखता है। श्री राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया आप खेल बनाइए, तो अक्षर ब्रह्म ने खेल की रचना की। मगर श्री राजी ने कहा सावधान अक्षर ब्रह्मा, इस बार इस ब्रह्मांड के अंदर मेरी रूहें आने वाली हैं, तो मेरी रूहों के लिए आपको एक स्पेशल ब्रह्मांड बनाना है। जो हर बार आप बनाते हैं उस प्रकार का ब्रह्मांड नहीं चलेगा, मेरी रूहों को उसमें उतरना है। इस आदेश के कारण जब अक्षर ब्रह्म ने पूछा कि धनी जी तो इस बार ब्रह्मांड की रचना कैसे की जाए, मेरे पास तो वो शक्ति नहीं है कि परम धाम के ब्रह्मात्माओं को उतारने के लिए मैं ब्रह्मांड बनाऊं, तब श्री राज्य ने अपनी शक्ति को प्रदान किया, अपने नूर को प्रदान किया और उस नूर के द्वारा ही अक्षर ब्रह्म जी ने इस सारे ब्रह्मांड की रचना भी करी। और इस ब्रह्मांड के ऊपर हुक्म किनका है वो सोचना। हर बार का ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म क्षण में देखे पर में मिटाने कर देते थे, लेकिन इस बार वो हो सकता है। जब तक श्री राजी न चाहे, जब तक रूहें न जागृत हो जाएं, तब तक ये हुक्म होगा नहीं। और तब तक इस खेल के अंदर अक्षर ब्रह्म जो है वो इस खेल को बने बनाव रख करके इसमें लीला करवाएंगे। अक्षर ब्रह्म ने इस संसार के अंदर जो नदी, जो पहाड़, जो भी कुछ सौंदर्यमय चीजें बनाई, पांच तत्वों से बनाया, वो सब कहां से आया सोचिए। वही मानिक पहाड़, वही पुखराज पहाड़, वही जमुना जी, वही भोजकोसल तला, वही पश्चिम की चौगान, तो यही सारी चीजें जो धाम के अंदर में है उन्हीं को देख करके अक्षर ब्रह्म ने इस आर्टिफिशियल, इस इल्यूजरी वर्ल्ड ड्रामा के अंदर इन सबको
डुप्लीकेट कर दिया है, मगर अब याद रहेगा ना वो किसका है, महाराजा जी का है। और वही फर्स्ट कॉपी हुआ, फिर उसके बाद कॉपी बनती 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 जो लास्ट में जो आर्टिफिशियल इमिटेशन बनता है वो ये है जो हम देख रहे हैं। मगर वो भी कितना आकर्षित कर रहा है, देखो इमिटेशन जो है ना वो असली से भी ज्यादा आकर्षित करता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से श्री परमधाम तो मूल है, लेकिन परमधाम के मूल के आगे ये इमिटेशन का बना हुआ होने के बावजूद इसमें वो शक्ति है कि वो हमें आकर्षित करती है, ये हमें बांध लेती है, इसी का नाम माया। अब सुंदर शाह जी इस मजल का आनंद लीजिए, जो श्री राज जी महाराज के इजार का वर्णन होगा। बेन मोहनी इजार की जानो एही भूषण सुंदर। जब आप इजार को देखते हैं, इजार जहां से हम पैरों में डालते हैं ना, वहां पर जो जगह बनती है उसे मोहरी कहते हैं। उस मोहरी के ऊपर में ऐसी सुंदर नक्काशियां बनी हुई है, ऐसे सुंदर नवरत्न लगे हुए हैं, मगर आपको पता नहीं चलेगा कि वो इजार के ऊपर लगे हुए हैं। ऐसा सुंदरता से उनको बनाया गया है, मानो कि यही अति सुंदर बने हुए आभूषण है। जो उसके ऊपर की नकाशी है वो ऐसी प्रतीत होती है मानो वही आभूषण श्री राज महाराज ने धारण किए हुए हैं। इजार बंद नंग कई रंग। अब जहां इजार को बांधा जाता है उस जगह में देखिए तो इजार बंद उसको कहा, कई मूर्ति कई नकस, वहां पर कई प्रकार की नकाशियां कई बूटियां बनी हुई हैं, और इन सभी के अंदर में आपको नजर आएंगे अलग अलग पत्र फूल वेलियों की डिजाइन। हर एक फूल के अंदर, पत्ते के अंदर, बेली बेली के अंदर आप देखिए तो और गहराई की नकाशी है, उसमें और अंदर गहराई में जाइए तो और नवरत्न जड़ करके वहां और भी गहराई की डिजाइन बनी हुई है। तो जितनी आपकी दृष्टि पहुंचती है उस प्रकार से आप उस डिजाइन को जब जूम इन करके देखते हैं, गहराई 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 में जाकर के देखते हैं, तो हर डिजाइन के अंदर डिजाइन नजर आती है, उस डिजाइन के और अंदर डिजाइन नजर आती है, और जो मूल जैसे कोई नवरत्न हो उसके अंदर भी नजर आती है। क्या हमें कोई मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना पड़ेगा, करना पड़ेगा? तो यहाँ श्री प्रेरणा जी क्या कहते हैं, निर्माण होई न जुबा ए वस्त्र अजीम अरस। सुंदर सा जी इसका निर्माण या निरूपण यदि इस जुबान के द्वारा मैं करने जाऊं तो कभी नहीं होगा, लेकिन ये अरस परम धाम के वस्त्र आभूषण है, तो आप अपनी दृष्टि को इसी प्रकार से फिरा करके, इसी प्रकार गहराई में ले जा करके इनको समझना। मैं मात्र इंकित कर रहा हूँ, महामती कहते हैं, मैं मात्र इशारा दे रहा हूँ, चित्रण तो आप ही को करना होगा। अति सौभाग्य नर माई, और अब इस इजार के संपूर्ण तत्व को देखिए तो इतना नरम है मानो उसे पहना है या नहीं, इस प्रकार से अत्यंत खुशबूदार, अत्यंत सौभाग्यमान और अत्यंत नरमाई से परिपूर्ण ये इजार श्री राज जी महाराज ने धारण की है। नंद शोभित नर्म पसम, उसमें लगे हुए नगों का वर्णन देख लीजिए, तो वो नग भी आपको चुभेंगे नहीं, मानो हमारे साड़ी में कुछ नग लगा दिए तो महसूस होता है, परंतु उन नगों को आप स्पर्श कीजिए वो कैसे है, पसम की तरह, किसी अति कोमल पसम की भांति वो नग बने हुए हैं, जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा जाए वो अपने आप दब जाए, इतनी कोमलता उन नगों में है। साथ जी हम अपने चित्रण के माध्यम से इसे पकड़ना चाहेंगे, नेफा रंग कसुंब का। अब नेफा जो होता है जहां पर डोरी डाली जाती है,
वो जो नेता है वो केसरिया कसुम रंग का बना हुआ है और इसके अंदर अब तीखू भी अतलश। हमारा तो नेता तो उठकर धकी जाता है तो वहां पे तो डिजाइन या नकाशी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन यहाँ धनी जी के इजार के हर एक पार्ट्स की खूबी को आप देखिए तो कोई भी जगह नकाशियों से खाली नहीं, नग रत्नों से न जड़ी हुई वह ऐसी कोई भी जगह नहीं। उस नेफे को भी देखिए अति अतलस, अतलस माने नरम में नरम, सुखदाई में सुखदाई। नरम तो कई चीजें होती है ना, लेकिन जैसे ठंडी के समय में एक अतलस जो ओढ़ने की रजाई आपको दी जाए तो उसमें जो नरमाई है वो कैसी होती है, सुखदाई होती है, प्लेजरेबल होती है। इसी प्रकार से श्री राजी महाराज के उस इजार का जो नेता है वो भी अतलस बना हुआ है, यानी अत्यंत मुलायम अत्यंत कोमल बना हुआ है, खूबी यानी कि शोभा सुंदरता से परिपूर्ण है। बेल भरी मोती कांगरी, अब वो भी खाली नहीं, वहां पर भी क्या बना है, अत्यंत सुंदर बेलियों की नक्काशी के साथ साथ में मोतियों की कांगरियां बनी हुई है। आप इस शोभा को निहारिए। इसलिए हमने शुरू में ही कहा कि रूह के नैनों को खोल करके ही आप इसका आनंद, इसकी लज्जत को प्राप्त कर सकते हैं। जो मिलाए सवारे होए, ये कैसा प्रतीक हो रहा है कि मानो सारे नग रत्नों को सारे डिजाइनों को मिला मिला करके समार करके अति सुंदर प्रकार से उसको तैयार किया गया हो, ऐसी सुंदरी इजार का आपको शोभा का दर्शन होता है साधु जी। तो ये श्री प्रार्थना जी ने धनी जी के इजार का वर्णन किया। अब आप अपने इजार के साथ में या किसी राजा महाराजा की पोशाक होती उसमें भी जो इजार बनी हुई है उसके साथ में श्री राज जी के सदिव्य इजार के वर्णन को तुलना करके समझिए। सबसे पहली बात कि झूठ और सत्य के बीच में तुलना कभी नहीं हो सकती, तो तुलना किस बात की करनी है, हमारी अपनी इस नजर को फिराने के लिए ये तुलना करनी है। तुलना दोनों पदार्थों की नहीं करनी है, वो तो कभी हो ही नहीं सकती, झूठ और असल का कोई सामना कोई मुकाबला नहीं होता। लेकिन अगर आपने अपनी झूठ यहाँ संसार की इजार और श्री राजी की इस नूरी इजार के वर्णन को पकड़ करके जब कंपेरिजन किया तब हमें समझ में आता है कि बका परम धाम में प्रत्येक वस्तु इजार से लेकर जामा से लेकर जो भी कोई वस्तुएं हैं वो किस प्रकार से श्री राजी महाराज के अंग के ऊपर में शोभा लेती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी डिजाइन अलग नहीं है बल्कि श्री राजी के अंग के ऊपर धारण किया हुआ एक अलंकार ही है, एक श्रृंगार ही है। तो सुंदर सा जी अब इजार के पश्चात महामती श्री प्रणा जी हमें अगले प्रकरण के अंदर खुले अंग श्रृंगार छवि छाती का वर्णन करके सुनाते हैं। प्यारे सुंदर सा जी हम जब धनी जी के इस स्वरूप को निहारते हैं तो हम क्या कहते हैं, श्री राजी महाराज ने जामा पहने हुए, और कौन से रंग का है, सफेद रंग का बना हुआ जामा है। किंतु महामती श्री प्रणा जी आप क्या कह रहे हैं, बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे। हमने धनी जी को जामा पहने हुए और उनके तमाम अलंकारों से अलंकृत उनके स्वरूप का वर्णन तो सुना है, लेकिन इस प्रकरण की विशेष बात यह है कि श्री राजी महाराज के खुले अंग को हम दर्शन कर रहे हैं, जिसके अंदर धनी जी ने जामा पहना हुआ नहीं है परंतु जो श्रृंगार को धारण उन्होंने किया हुआ है और जिस श्रृंगार के साथ साथ हमारे महबूब प्रियतम धनी की वो खुली छाती का जो नजारा नजर आता है उसका आप दीदार कीजिए। संसार में हम देखते हैं कई सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने आप को कैसे सजाते हैं,
बनी हुई होती है ना, और किस प्रकार से वो अपने आप को आकर्षक बना लेते हैं। मगर हे साथ जी, जब आप अपनी दृष्टि को फेर करके श्री परम धाम में श्री राजी महाराज की उस नूरी स्वरूप का दर्शन करेंगे, तो संसार की सारी बातें यही के यही छूट जाएंगी, छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ध्यान दे करके श्री राजी के इस प्रकरण में जो छवि छाती का वर्णन किया गया है उसे आप श्रवण कीजिए। महामती कहते हैं कि जब हम धनी जी की इस छवि को निहारते हैं तो उसके द्वारा दिल के अंदर जो जितना माया ने दुख पहुंचाया हो, धक्के दिए हो और कई प्रकार की मिजरीज जिनका हम सामना करते हैं आए दिन, वो सब महबूब की इस छवि को देख करके फना हो जाते हैं। तो साथ जी, अब दिल को इस स्वरूप के साथ में जोड़ करके चित्रण करते हुए हम चौपाइयों से रसपान करते हैं। बागा पहने हमेशा देखिए, बागा पहने हुए श्री राजी को रूहे रोज ही देखती है, हमेशा ही देखती है। तो अब रूहों के दिल में इच्छा हुई, श्री नापिसकी के दिल में इच्छा हुई कि मैं मेरे धनी जी के स्वरूप को बिना जामा बिना बाधा के देखूं और ऐसी शोभा उनके सामने दृष्टि गोचर होती है। श्री इंद्रावती अब कहती है, खाना पीना छीन छीन लिया, मेरे प्रियतम धनी जी के इस स्वरूप का जब मैंने दीदार किया तब क्या हुआ, मेरा खाना मेरा पीना छीन छीन लिया, सब कुछ क्या हो गया, धनी जी के उस प्यार के अंदर उस प्रेम के अंदर अब पूरी तरह से छूट गया, भूल गई। क्योंकि जब आपका दिल कहीं पर लग जाता है तो उन स्वरूप के ऊपर नजर करते हुए संसार की भूख प्यास संसार की निद्रा आदि सब कुछ लापता हो जाता है। क्योंकि जब धनी जी का नूरमय स्वरूप आपके नजर में आ गया तो उससे नूर ने आपके तमाम जीवन को भर दिया। सुंदर श्याम जी तो कहते हैं, पल पल माशुक देखना यही आहार आशिकन, जो आशिक रूहें हैं, जो भक्त आत्माएं जो पूरी तरह से समर्पित हैं ऐसी रूहों के लिए तो अपने माशुक धनी को पल पल निहारना यही उनके लिए उनका आहार बन जाता है, खुराक बन जाता है। अब पुनः कहते हैं कि श्री राज जी महाराज के इस स्वरूप को आप दर्शन कीजिए। कट कोमल अति पतली, श्री राज जी की जो कटी है, कटी यानी कमर को कहते हैं, तो श्री राज जी महाराज की कमर कैसी है, जैसे हमने देखा है बहुत सुंदर और लचकीली पतली कमर होती है, उसे देख करके इतना एलिगेंट इतना ग्रेसफुल लगता है मानो उसको देखते ही रह जाएं। ऐसे ही धनी जी की कट अति सुंदर अति पतली बनी हुई है, सुंदर छाती गौर, और धनी जी की जो छाती जब आप खुले अंग की शोभा को देखते हैं तो वो कैसी है, अत्यंत गौर बनी हुई है। गौर वर्ण की इस सुंदर छाती को देख करके देख देख सुख पाइए जो होवे अरस सहूर। महामती श्री प्रेरणा जी सभी सुंदर साध जी से कहते हैं कि जब आप धनी के इस गौर सुंदर छाती को निहारते हैं तो ऐसे सुख की अनुभूति होती है, परंतु वो कब होगी, जब आप अर्श के सहूर को अपना करके इस स्वरूप को निहारेंगे। दुनिया के एंगल से सोचना नहीं होगा, श्री परम धाम की दृष्टि को लेकर के सहूर को लेकर के, सहूर यानी क्या है, जो ज्ञान हम लेते हैं ना, उस ज्ञान के अंदर जो बैठा हुआ है, जैसे दूध के अंदर जो बैठा हुआ है वो सार क्या है, घृत के रूप में होता है ना, घी के रूप में होता है, वो जाहिर नजर नहीं आता,
तप उसी में होता है। इसी प्रकार से ज्ञान के अंदर वो सहूर बैठा हुआ है और जब ज्ञान का मंथन करते हैं, जैसे दूध के अंदर मंथन करते 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 जाओ मक्खन और फिर उसके बाद में आपको सार रूप घी मिलेगा, उसके बिना मिलने का नहीं है। इसी प्रकार से इस ज्ञान को मात्र लेने से हमें वो घी उसका अनुभव नहीं होता, लेकिन जब इस ज्ञान का मंथन करते जाइए तब जाकर के जो अंतिम में प्राप्त होता है वो होगा सबूर। और श्री प्रणा जी कहते हैं जो हो दे अर्स सबूर, सबूर सबूर में भी अंतर है। अरस का सबूर है, रूहों का सबूर है, हादी का सबूर है और धनी का सबूर है। तो अरस परम धाम में जब दृष्टि फिर जाए उस अरस परम धाम के सहूर के द्वारा ही सुंदर साजी श्रीनाथ जी के ये अति सुंदर छवि को निहारिए तो देख देख करके आप सुख की प्राप्ति करेंगे। और ऐसा सुख होगा कि खाना पीना छिन छीन लिया प्यार अरस रोहन, उस स्थिति में तब हम पहुंच पाएंगे। अब कहते हैं पास से पाखड़ी बगले, जब श्री राज जी के खुले अंग को निहारते हैं तो जैसे हमारी पासलियां बनी हुई होती है, इसी तरह श्री राज जी महाराज के इस अंग के अंदर आपको पसलियां बनी हुई नजर आती हैं। और जब उन पसलियों के दोनों बगलों की ओर देखते हैं, जब धनी ने जामा पहना हो तो उस जामे में दोनों जो बगल होते हैं ना वहां पर फूलों की नक्काशियां बनती हैं, बेरियों की नक्काशियां बनती है, पाखड़ियां बनी हुई होती है, शोभित बंधु बंधव। लेकिन खुले अंग को जब आप निहारें, जो पसलियां बनी हुई है उनमें बंद से बंद बात करके वो पसलियों की शोभा नजर में आती है। एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, वो पसलियां कैसी है, बंद से बंद, जॉइंट से जॉइंट वो जुड़ी हुई आपको नजर आती है। एक और बात कि जैसे पांच तत्वों के द्वारा यहाँ की शरीर की सृजना हुई, इस तरह के पांच तत्व श्री परम धाम में भी हैं। लेकिन परम धाम के पांच तत्वों को कैसे हैं, नूरी पांच तत्व हैं। हालांकि संसार के जो पांच तत्व हैं वो यहाँ की मिट्टी से बने हुए, अर्थात के नश्वर भोग के नश्वर पदार्थ से बने हुए हैं। श्री परम धाम के अंदर जितना भी पसलियों का हो, जितना भी श्री राज जी के छाती अंग मुखारविंद आदि का वर्णन हो, वो श्री परम धाम के नूरी पांच तत्व से बने हैं। वो नूरी पांच तत्व कहाँ से आए, वो नूरी पांच तत्व कहाँ से आए, थोड़ा जोर से प्लीज। श्री राज जी महाराज जिनको नूर जमाल कहा, नूर जमाल यानी समग्र नूर, समग्र तेज राशि का जो मूल केंद्र है वो श्री राज जी है, उनके नूर से ही ये पांच तत्व है। तो श्री राज जी महाराज जो नूर जमाल हुए, उनके नूर से ही सारे परम धाम की यावत सामग्रियां बनी है, यावत पांच तत्व बने हुए हैं। और यही पांच तत्व से, मगर वो कैसे है, अमूर्त कहा जाता है। अमूर्त कहने का मतलब अप्राकृतिक। हमारे अभी के पांच तत्व जो हैं वो कैसे इमिटेशन वाले हैं, और धनी जी के जो है वो कैसे है, जो महाराजा ने फर्स्ट अपने लिए ट्रू कॉपी बनाई है वो है। अर्थात हमारे पांच तत्व वो मिट्टी से यहाँ की खाकी वजूद के बने हुए, श्री राज जी के पांच तत्व, परम धाम के पांच तत्व स्वयं श्री राज जी के नूरी चेतन से बने हुए हैं। तो ये अंतर हमने समझना है,
इसीलिए हमें इस संसार में कंपैरिजन करने के लिए भेजा गया है कि जाओ देखकर आओ संसार में कैसी चीजें हैं और श्री परम धाम के अंदर जो असली है वो किस प्रकार से है। तो साध जी यहाँ कहते हैं अंग रंग खूबी खुशालियां पार्न सुख सनंद। धनी जी के अंग प्रत्यंग की शोभा को देखिए तो ऐसा रंग ऐसा आनंद होता है। क्यों? श्री राजी सचिदानंद में स्वरूप होने के कारण उनके किसी भी अंग को आप देख लीजिए तो हर अंग में से आपको आनंद और रंग की अनुभूति होती है। तो धनी जी के इस स्वरूप को निहारते हुए अब कहा नर्म नाच तो पेट पास ही। अब पेट का वर्णन करते हैं पसलियों का वर्णन करते हैं ये सबसे नरम में नरम कोमल सुखदाई है। एक नरम वो होता है जिससे यहाँ पर हम संसार के नरम किसी पदार्थ को समझते हैं स्पॉन्जी बोलते हैं सॉफ्ट बोलते हैं जो सबको अच्छा लगता है। लेकिन अब धाम के एंगल से विचार करिए साथ जी तो वो नरम क्या है? वो नरम कहने का मतलब है कि मूल से नरम है। जैसा आप चाहो वैसे मूल से वो नरम है। इसीलिए धनी का पेट धनी की जो पसलियां कहने ये सब कुछ कोमल में कोमल नरम में नरम है। दीन आराम आठो जाम जब रूहे उनके पेट पसलियों की शोभा को देखती है तो आठो जाम रूहे उसी आराम के अंदर उसी सुख के अंदर में अपना समय व्यतीत करती है। ऐसे धनी जी की सुंदर शोभा को वे निहारती है। छाती निर्भो हक की गौर अति उज्जवल। अब श्री रावती हमारे चित्त को उस धाम के अंदर प्रवेश कराकर धनी जी के स्वरूप के समक्ष खड़ा कर हमें कहती है कि आप चितवन कीजिए। तो चितवन जब हम करते हैं वो कैसा है? धनी जी की छाती को हम जब निरखते हैं सुंदर साहब जी वो कैसी है? गौर वर्ण तो है उज्जवल है और नूरी निर्मल छाती धनी जी की बनी हुई है। देख हैरा खूब खुशाली तो मोहन कैया अर्श दिल। जब श्री राम जी की इस सुंदर छाती को देखो छाती में जो हृदय का पोर्शन है जगह है अब उस हृदय को जब आप निहारते हैं उसे देख करके धनी जी के हया से हृदय से उस सारी छवि को दिल में उतार लेने पर क्या हुआ सुंदर सा जी? आपका दिल जिसके अंदर माशुक की छवि को आपने उतार लिया वो अपने आप क्या बन गई? अर्श दिल बन जाती है। तो जब हम कहते हैं कि इस शिवदार का वर्णन संसार में कभी किसी ने नहीं किया लेकिन यही वर्णन तारतम के माध्यम से कल हमने कहा था ना कौन सी तीन चीजों से वर्णन हुआ है पकड़ लिया कौन से तीन चीजों से वर्णन हुआ? हक किलम और हक चतुराई और हक हुकुम। तो इन चीजों का समन्वय होने के कारण महामति श्री प्रणा जी कहते हैं कि यह वर्णन संभव हो सका अन्यथा यह वर्णन तो संभव है ही नहीं। तो साथ जी यहाँ कहने की बात ये थी कि मोमिनों के दिल को अर्श क्यों कहा क्योंकि यहाँ इन तीनों चीजों का समन्वय हुआ जिससे वर्णन संभव हुआ। हुकुम ने वर्णन कराया हुकुम ने चतुराई दी हुकुम ने इलम को लाया बेशक इलम ने इस वर्णन को जाहिर किया और आपके दिल को अर्श बनाया। तो ऐसे ही दिल अर्श नहीं बनता इन तीनों चीजों को मिला करके जब दिल में उतर जाए तब ये दिल अर्श बनता है। जिन देख्या हक हेड़ा उन रूहों के लिए क्या कहते हैं महामति क्यों नजर फेरे तरंग और वाको उसी सुरत बिना आग लगे सब ठोर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की। जब आपने
अब समय हो गया है, अब मुझे ऑफिस जाना है। तो क्या होता है कि हमने कुछ देखा, जिन्होंने देखा वो नजर फेर नहीं सकते, वो गर्क हो जाते हैं। श्री प्राणा जी ने पहले आगे उदाहरण दिया है रास ग्रंथ के अंदर, पतंग दूसरे पतंग से कहता है चलो मैं तुम्हें दीपक दिखाऊं, तो क्या वो पतंग है? क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर वो आशिक है अंधकार का तो वो झांप लेगा और वो प्रकाश को नाबूद कर देगा। ऐसे ही जो आशिक है, जिन्होंने हक की छाती को निहार लिया, तो निहारने के पश्चात अगर वो संसार की ओर फिर से देख भी ले तो उसके लिए क्या होगा? वो संसार जहर के समान लगेगा। जब उसकी नजर फिर जाती है, सूरता फिर जाती है, तो आग लगे सब ठोर। इसीलिए सुंदर स्थान जी, न केवल हमने श्रवण करना है, मैंने कल भी कहा आज भी कहूंगी और हर रोज कहूंगी कि जब आपने इस वर्णन को सुना किंतु आत्मसात नहीं किया तो घड़ी जरूर नजर आएगी और यही हमारी परीक्षा होगी। हम ये नहीं कहते कि घड़ी को मत देखो, लेकिन लज्जत लेने वाले आशिक को वो प्यास कहां पूछती है, ये उसका लक्षण है। तो यहां अब आगे महामती कहते हैं वह देखा अंग क्यों छूटे ही, देखो अभी ही आ गया हक परीक्षा यही मोमिन। अब आपकी परीक्षा धनी ने करनी है तो वो इसी प्रकार से करते हैं कि जिस आशिक ने अंग को देख लिया अब वो सुरता फेर ही नहीं सकेगी, और यदि सुरता संसार में लगी हो इसका मतलब क्या है कि उसने धनी जी के उन दिव्यांग का साक्षात्कार किया ही नहीं है। तो यही परीक्षा श्रीराज जी कर रहे हैं। हम बार बार श्रृंगार की चौपाइयों को कई बार पढ़ चुके हैं और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो लज्जत हमने प्राप्त करनी है वो इन्हीं चौपाइयों से होगी, और कोई चौपाइयां प्रकट होने वाली नहीं है। तो इन चौपाइयों में कैसे गर्क हो करके हम इनके स्वाद की अनुभूति करें? आपकी परीक्षा इस प्रकार होगी कि अगर आपने इस रस को पी लिया, अगर आपका चित इस समय लग गया उस स्वरूप के अंदर, चाहे आप जो काम करें, चैलेंज है, चाहे आप जो काम करें मगर ये छवि नजरों से छूटेगी नहीं। यही गोपियों की स्थिति थी, है ना? काम करता अति घड़ो प्रक्षिण छोड़ियो नेह, वो छवि नहीं छूट रही थी। कई गोपियां तो नदी किनारे बैठ करके तप करने लगी कि कहीं कृष्ण कन्हैया के कारण मेरी गृहस्थी बर्बाद न हो जाए, तो आंख बंद करके युगासन में बैठी हुई और नारद जी ने देख के पूछा देवी तुम किनका ध्यान कर रही हो? तो बोली मैं कृष्ण कन्हैया की छवि नजर के सामने न आगे इसके लिए ध्यान कर रही हूँ। कैसी स्थिति होगी कि उनकी छवि को लेकर के अपने सारे काम कर रही हैं। साथ जी ये हमारी परीक्षा है कि धनी जी के अंग प्रत्यंग को नजरों में उतार लो और दिल में अंकित करते हुए अब जो भी काम करो ना वो अपने आप ही सिद्ध हो जाना है। क्यों? क्योंकि धनी जी के नूर को आपने कैप्चर कर लिया, उस नूर को आपने दिल में उतारा, उसी नूर से अब काम होता जाएगा। इसीलिए प्राणा जी कहते हैं दुनिया करे चाकरी मोमिन करे, क्या करते हैं मोमिन, क्या करते हैं आराम। दुनिया करे चाकरी मोमिन करे आराम, आराम यानी सुस्त होकर के सोते नहीं है। आराम करने का मतलब ये होता है कि माया से डिटैच होकर, उनका अटैचमेंट छोड़ करके, राज्य से एकाकार होकर उनके नूर से जब वो काम करने लग जाते हैं तो जारे धनी धनवट करे त्यारे बल वेरिना हरे, बड़ी गया काम सराड़े चढ़े मन चित्या कार्य सरे। इस स्थिति में वो पहुंचते हैं, तभी कहा कि मोमिन करे आराम, मोमिन धनी के चरणों में आराम करते हैं। तो सुंदर साची ये चौपाइयों की गहराइयां हैं, और कितना भी हम इन गहराइयों में चले जाएं तो बस उसी में हमको रमण करना है।
हक जात अरस उन तन से। अब ये कौन कर सकते हैं भला, इतनी गहराई में जाना वो श्रीर आची हक, हक की जात ब्रह्म आत्माएं, ये ब्रह्म आत्माएं उनके अंग होने के कारण धनी के इस छवि सिलगार के अंदर लुप्त हो जाती हैं, खो जाती हैं, वो ही आशिक रूहे हैं। अब धनी फुरमा रहे हैं, श्यामा जी और राजी के दिल में क्या अंतर है। महामती कहते हैं श्यामा जी और राजी महाराज के दिल में क्या अंतर है। हृदय का वर्णन हो रहा था, हृदय का, इसी संदर्भ में पूछा। अब ज्यादा मत सोचिए, क्यों, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। तो आप कितना भी सोच लीजिए मगर उसके अंदर कोई अंतर मिलेगा नहीं। दिल हक का और हादिये का, एक दो दिल है एक, दोनों के दिल बिल्कुल एक है, दोनों के दिल के अंदर जो गहराई है, दोनों के दिल के अंदर जो मेहर छिपी हुई है, जो गुण छिपे हुए हैं, वो बिल्कुल एक है। इसीलिए कहा एक कई मता, मता क्या है, धन खजाना, वो जो इन्फिनिट ट्रेजर्स है परम धाम के अंदर, वो चाहे हादी यानी श्यामा महाराज जी के दिल में हो या फिर चाहे श्री राजी महाराज जी के दिल में हो, वो दोनों एक कई है। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, लेकिन कई सोचने लग गए, वो सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि हक का और हादी का ये दोनों का दिल एक है, एक समान है। ये अरस जो है रूह जाने विवेक, परंतु इसका विवेक करना हो, डिस्क्रिमिनेशन करना हो, गहराई में जाना हो, तो अर्श की रूह ही जानती है और अर्श की रूहों को मालूम है हक और हादी ये दोनों देखने के लिए अलग अलग हैं, बस एकाम की न रहते, इसीलिए स्वरूप से अलग हैं, परंतु हृदय दोनों का एक ही है। जो गंज हक के दिन में सो पूर्ण इश्क सागर, धनी जी के दिन में जो इश्क का सागर बना हुआ है वो कैसा है, गंज ना गंज भरा हुआ, खचा खच भरा हुआ, न केवल भरा हुआ बल्कि नेवर एंडिंग इनफाइनाइट। अगर उसमें से आप कितना भी इश्क ले लीजिए, क्योंकि 12,000 को भी तो इश्क चाहिए, वो 12,000 सखियां कहां से इश्क लेती हैं, धनी जी के हृदय से लेती हैं। अगर धनी जी के हृदय से इश्क लेते एक रूम में लिया, दूसरे रूम में लिया, 12,000 ने लिया, अब कितना इश्क बचा, अभी भी कितना है, गंजना गंज खचा खच भरा हुआ नेवर एंडिंग है, क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। सुंदरसान जी ऐसे धनी के हृदय के अंदर गंजना गंज इश्क के सागर भरे हुए हैं, और हम यहाँ प्यासे रूहों की तरह एक बूंद इश्क के लिए तड़प रहे हैं। पर क्यों तड़पना पड़ा, तड़पना क्यों पड़ा, जब उस महासागर से हमारा कनेक्शन छूट गया। कनेक्शन कैसे छूटा, माया ने जुड़वा दिया, माया ने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और उसी के कारण से वो कनेक्शन बंद हो चुका है। अब वाणी आई, प्रियतम धनी ने अपनी वाणी को भेजा कि इस वाणी के अंदर ईश्वर भी मिलेगा, ईमान भी मिलेगा, परम धाम की जो भी दैवत है सारी की सारी न्यामते आपको इस वाणी के अंदर में मिल जाएंगी। तो साथ जी धनी के हृदय के अंदर जो ईश्वर के गंजना गंज खजाना भरा हुआ है, उसको आप जितना मर्जी ले लो, मगर याद रहे संजमे संजमे पिलाए उतना 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 ही लेना, जिन कांच शीशा फूट जाए उतना लेते लेते चाहे जितने मात्रा में ले लीजिए, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, मगर धनी जी के दिल से जुड़ना है तो एक ही रास्ता है। कौन सा, कौन सा रास्ता,
धनी की वाणी, वाणी में जिलना, वाणी में डुबकियां लगाना और वाणी को हर दम रसपान करना, यही सुंदर साख का लक्ष्य है और कोई हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो सुंदर सांत जी ये वर्णन को बहुत गहराई में ले जाता है, एक चौपाई में जाते हैं तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अब आगे फरमाते हैं, हक हृदय के अंदर मत अनेक अपार, आपको क्या चाहिए बस कहो और वो मता वो खजाना धनी जी के हृदय के अंदर अपार भरा हुआ है। एक नहीं दो नहीं इंफिनिट ऐसे खजाने श्री राजी महाराज के दिल के अंदर में निहित हैं। और हमारी अल्प बुद्धि कैसी होती है, हमें कुछ चाहिए तो हम यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं, हम कहीं और अपने श्रद्धेय स्थान में जाते हैं, गुरु स्थान में जाते हैं, वहां जाकर धनी से कहते हैं धनी जी मेरा ये काम अटका पड़ा है। धनी आपको क्या दे रहे हैं, इस वाणी से देखिए धनी आपको क्या दे रहे हैं और धनी से आप क्या ले रहे हैं, सोचने की जगह है। इंद्रावती सती महामती श्री प्रणा जी कहते हैं कि मता अनेक अलेखे, धनी के दिल के अंदर वो अलेखे अपार अनेकों प्रकार का खजाना भरा हुआ है जिसको धनी आपके दिल के अंदर उड़ेल देना चाहते हैं, राजी क्या चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, वो तो आपको देने के लिए निछावर है, कुर्बान है। और हम क्या मांगते, एक अल्प वस्तु जाकर के मांग के आते हैं। सुंदर श्याम जी इसीलिए धनी जी के पास जब जाइए ना, उनके इस हृदय के मता को देखिए, इसे चाहिए। धनी जी के हृदय का यह अपार मता जो हमारे अंदर में आ जाए तो कोई चीज बाकी रहेगी क्या। इसीलिए धनी जी के इस वाणी से ही इस मता को एक्सेस कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसके बिना लाख चाहो ना फिर भी धनी से जुड़ा नहीं जा सकता। तो ये खजाना है, इस खजाने को आपके पास आपने तिजोरी में रखा है, लेकिन वो खजाना बढ़ेगा कब, कि उसे लेकर रात दिन मनन कीजिए, मंथन कीजिए, गहराई में जाइए, महामती क्या कहते हैं उसके पीछे जाइए, तब ये खजाना उत्तरोत्तर जाता है। सुंदर श्याम जी सब अंग देखकर रस भरे प्रेम के सुख पूर्ण। अब धनी की छाती अंग को देखिए, धनी जी के कंठ को देखिए, उसके ऊपर अलंकारों को देखिए, वो सब कुछ कैसे हैं, अत्यंत सुखदाई और प्रेम से भरे हुए। जब उनको निहारो तो निहारते ही वो प्रेम गंजना गंज अपने अंदर में आ जाता है। साथ जी इन चौपाइयों के द्वारा हमें क्या करना है, इंद्रावती सखी ने आपको ये संपूर्ण वर्णन दे दिया। अब हम ये करते हैं, पाठ है, चलो पाठ लगाया, पढ़ लिया, पढ़ने के लिए नहीं है ये, पीने के लिए है। जितना मर्जी पियो, ये आपको धनी जी ने खजाना दिया, आपका धन है, लूटो इस धन को। परंतु इस धन को लूटने के बजाय हम अपनी छोटी छोटी चीजों के अंदर फंसे हुए रहते हैं, यही हमारी अल्प बुद्धि, छोटी सी बुद्धि है। तो साथ जी जब वाणी से इस रस को, इस प्रेम को आप पीने लग जाओ ना, तब संसार की चीजों को मांगने जाना नहीं पड़ेगा। जहां वाणी है ये भी ध्यान से सुन लेना, जिस दिल के अंदर ये वाणी उतर गई, संसार की सारी वस्तुएं नश्वर पदार्थ वो सारे उसके चरण के आगे पीछे घूमने लग जाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, ये वाणी की ताकत है, ये वाणी का करिश्मा है। हम नहीं कहते कि हमें संसार की वस्तुएं चाहिए, परंतु खुद न खुद संसार की अष्ट सिद्धि नवनिधि उसके चरण की दासियां बन जाती हैं, ये वाणी का करिश्मा। और हम रैट रेस में जैसे कोई दौड़ता है, इसी तरह उन चीजों के पीछे दौड़ते हैं। धनी कहते हैं मैंने आपको खजाना दिया है और तुम काहे के पीछे दौड़ लगा रहे हो, खजाना छोड़ करके एक एक वस्तु के पीछे तुम दौड़ते जा रहे हो, मैं तुम्हें संपूर्ण खजाना दे रहा हूँ और इसकी
हमारे सतगुरु का परोसा हुआ तात्म ज्ञान यही कुंजी और इस कुंजी के समेत आपको खजाना दे दिया है धाम धनी ने। फिर भी हम नश्वर चीजों के पीछे जाएं तो ये पर फिर क्या होगा? धनी जी के सामने हम क्या मुख लेकर के जाएंगे? क्या समझ को वहां पर दिखाएंगे? छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभान, जो नेक देखो गुण अंदर तब तब ही निक से प्राण। मेरे खसम की जो छाती है, जो मेरे सुभान, मेरे माशुक, मेरे धनी, मेरे महबूब, मेरे दुल्हा, मेरे श्रीराज जी है, ये प्रेम से जब उनकी छाती को मैं याद करूं और वो छाती मेरे दिल के अंदर आकर के उतर जाए, गड़ जाए, उस छाती को बाह्य तो देखा, अंदर के गुणों को देखिए, धनी की कृपा को देखिए, धनी के गुणों को देखिए जो उस छाती के अंदर में है। क्या धनी आपको क्षण मात्र अपने से अलग कर रहे हैं? विचार करो, आप जन्म से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर अंतिम तक एक क्षण ऐसा बता दीजिए कि धनी ने आपकी तरफ नजर न की हो। सुख दुख के एंगल से नहीं, धनी की नजरों के एंगल से हम बात कर रहे हैं। धनी की नजर सदैव आपके ऊपर है और रहेगी। हम भले भूल जाएं परंतु धनी हमको नहीं भुलाते, इसका वर्णन भी आने वाली चौपाइयों में अब किया जाएगा। धनी जी के इस हृदय के अंदर में और क्या है? तो इंद्रावती सखी ने कई चौपाइयों के द्वारा बयान किया, धनी जी के दिल के अंदर रूहों से प्रेम प्रीत, मैं कैसे अपनी रूहों से प्रेम करूं, कैसे अपनी प्रीत को उनके ऊपर मैं कुर्बान करूं, ये सारी बातें उनके हृदय के अंदर में है। हमका हृदय में इश्क, वो इश्क का सागर कहाँ आया हुआ है? हम बड़ी राम में देखने के लिए जाते हैं, बड़ी राम में तो वो बाद में है, सबसे पहले वो धनी जी के हृदय के अंदर बना हुआ सागर है। अब उस सागर से उस इश्क को इन रूहों ने पार करना है और धनी जी इसीलिए अपनी वाणी को लेकर के आए हैं कि हे सखियों, उस इश्क के सागर के अंदर डुबकी पे डुबकी लगाते जाओ और जो अनुभूति होती है उसे ही श्री राजीवार धाम के अंदर में पूछेंगे। सखियों कैसे अनुभूति हुई, कैसे आपने इश्क का अनुभव किया? सुख देऊं रूह अपार, हमें लगता है श्री राजी की नजर नहीं है, पल पल श्री राजी की नजर आपके ऊपर है, पल पल श्री राजी के दिल में एक ही बात चल रही है कि मेरी रूहों को मैं कैसे इश्क का पान करूं, कैसे उन रूहों को मैं अपार सुख पार लज्जत दे पाऊं। प्रॉब्लम एक ही है, हमारा जो व्यू पॉइंट है ना, हमारा जो दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण संसार से होकर परम धाम को जा रहा है। श्री राज्य का दृष्टिकोण प्योर है, जो परम धाम से सीधा डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। फर्क इतना है, हम संसार की वस्तुएं नहीं मिली नहीं मिली करके ये सोचने की भूल कर लेते हैं कि हमारे ऊपर तो दृष्टि नहीं है, हमारे ऊपर तो दुख पे दुख आ रहे हैं। लेकिन सुंदर सार जी, अगर वाणी के दृष्टिकोण से देखो ना, तो दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं, क्योंकि दुख सुख के अंदर ही माश प्रियतम धनी अलग अलग संजोगों के अंदर आपको आकर के मिलते हैं। तो धनी हमारे लिए प्लानिंग करते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि धनी सुखी सुख दीजिए, धनी दुख ही दुख दीजिए, लेकिन धनी योग्य समय में सुख दुख को खड़ा करके हमें अपनी ओर खींच रहे हैं। इसलिए पल पल श्री राजी के हृदय में चल रहा है कि मैं मेरी सखियों को लाड़ दूं, लज्जत दूं, प्यार दूं। और इसीलिए अब एक ही बात मैंने कहा कि दृष्टिकोण का फर्क है। अब दृष्टिकोण ऐसे बनाइए कि अपनी दृष्टि को धाम धनी की ओर फेर लीजिए वाणी के द्वारा। महामती क्या कहते हैं, इंद्रावती सखी क्या कहते हैं, उसको शिरोनारी कर लीजिए, अपने आप मन की दुविधा शंका उपशंका रद्द हो जाएंगी। सुंदरसान जी, जब वाणी के से
अलग होकर के सोचते हो ना, तब शंकाएं आती है। वाणी के द्वारा जब सोचिए तो ये बेशक इलम है, कोई संशय को आपके अंदर में रहने नहीं देगा। तो इंद्रावती आत्मा कहती है एक बूंद आया हक का दिल से, बहुत गहराई की चौपाई है। और मैं क्षमा चाहूंगी कि समय के अंदर हमें पूरा भी करना है, लेकिन इतनी गहराई आ जाती है कि उसको छोड़ के जाना ही नहीं पड़ता। धनी जी के हृदय में जो ईश्वर का सागर बना हुआ है, उस ईश्वर के सागर से कितना ईश्वर संसार में आया, एक बूंद आया हक दिल से। तिन कारण की थीर चर, अब यहाँ चौदलोक ब्रह्मांड के अंदर जो थीर स्थिर वस्तुएं चर यानी चलायमान जो जितना भी है इनर्ट एंड कॉन्शियस, वो सब कुछ श्री राजी के इष्ट की एक बुद्ध ने कायम कर दिया, अखंड कर दिया। तो महामती कहते हैं इन बूंद की सिफत देखियो, प्यारी सुंदर साजी इस बूंद के अंदर की महत्व को देखिए। ऐसे हक दिल में कई सागर, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। उस सागर को हमने पाना है जिसके एक बूंद ने आकर सबको यहाँ अखंड कर दिया। उस एक बूंद में इतनी शक्ति है, तो हक के दिल में ऐसे कई सागर हैं। और वो कई सागर किनके लिए श्री राज ने खोल रखे हैं? हमारे लिए, रूहों के वास्ते। धनी ने वो सागर के सागरों को खोल के रखा है, हम तो एक बूंद भी ले नहीं पा रहे हैं। तो साध जी, ये चौपाइयों की जो महत्व और जो गहराइयां है, अगर हम उनके अंदर में उतर जाएं, वास्तव में देखो तो ये दिल को घायल कर देती है। ऐसे ही घायल दिल को श्री राजी अरस बनाते, याद रखना। दिल को कड़क रखो, मजबूत रखो, वहां पर धनी विराजमान नहीं होते। जो सूर्य पूरे घायल लेवाए, वाणी कहती है कि जो हृदय संसार से घायल है, धनी जी के इष्ट प्रेम में घायल हुआ पड़ा है, और श्री राजी को पाने के लिए शूरवीरता से जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे हृदय के अंदर श्री राजी महाराज का आसन होता है। हक छाते नरम कोमल, रूह सदा रहे सुल धीर। श्री राजी की छाती कैसी है? कोमल में कोमल है। और रूहें कैसी है? रूहें तो शूरवीर है, शूरवीर होंगी तभी ही इस वाणी को ग्रहण करेंगी। पर शूरवीर कहाँ होना है? संसार के चाल में शूरवीर होना है, संसार को करने के लिए शूरवीर होना है, और राज्य महाराज की तरफ घायल होना है। संसार की तरफ घायल हुए और राज्य की तरफ शूरवीरता दिखाने लगे तो क्या हो जाएगा? फिर संसार के ही बन जाओगे। इसीलिए धनी जी को दिल दीजिए, धनी जी से घायल होइए। अब पुनः यहां से आगे श्री इंद्रावती सखी कहती है, हक भी कहे दिल में और अर्श भी कहिया दिल। आपके दिल के अंदर कौन है? हक विराजमान है, अर्श भी कहिया दिल। उसी दिल को अर्श भी कहा, लेकिन अब ध्यान से सुनना, हक कहा है दिल में, दिल को क्या कहा? अब आगे क्या कहते हैं? पर्दा भी कहिया दिल में। वो पर्दा जो लगा हुआ है ना, वो भी कहां है? माशूक कहां है? अब क्या करें? आया सहूरे बीरा निकल। तो जब सहूर करते हैं महामती, तो महामती कह रहे देखो दिल में अर्श है, अर्श में ध्वनि, मगर दिल में पर्दा। अब उस पर्दे को जब तक आप दूर न हटाएं, तो धनी जी के दीदार होंगे। तो वाणी क्या कर रही है? जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को, हुआ निस दिन हक सबूर। श्री राजी महाराज ने वाणी दी, वाणी में हक का सबूर दिया। अब वाणी के हक सबूर से जब तक पीठ नहीं दोगे ब्रह्मांड को,
जब तक इस ब्रह्मांड से परे उठने की कोशिश आप नहीं करोगे तो ये परामों से रूपी पर्दा दिल के ऊपर जो पड़ा है, न तो वो पर्दा हटेगा, पर्दे के पीछे जो धनी है जिस सरस में बैठे हैं, न तो वो ही नजर आएगा। तो क्या करना है, क्या करना है? पर्दे को उड़ाने के लिए क्या करना है? वाणी पढ़नी है, सबूर करना है। जी हाँ, पर्दे को कैसे हटाना है? सुंदर शाह जी, बहुत बहुत उमदा जगह में हम आ चुके हैं कि जहां पर्दा उड़ाना, वाणी पढ़ना ये तो तय है, पर वाणी को पढ़ना नहीं। मैंने पहले ही कहा वाणी को पढ़ना नहीं है, वाणी को रसपान करना है। अच्छा, कितनी बार करेंगे? अगर आपने सोच लिया कि मैं 108 बार करूं तो इनफ है, पूरा होगा? जब तक प्राण है ना तब तक उसे हर दम पीना है। चर्चा सुन जो दिन ने रात आपने त्रुटिया श्री प्राणनाथ, क्यों कहा? क्योंकि हर दम माया का अटैक है और हर दम हमें डिफेंड करना है, तो हर दम उस अटैक से डिफेंड करने के लिए ही तो वाणी है। जब इस वाणी के हम सहूर के द्वारा आप अंदर इसमें प्रवेश करते जाओगे ना, तभी ही इसका आनंद मिलेगा, लज्जत मिलेगी, वो लज्जत से पर्दा उड़ेगा। आपकी परीक्षा क्या है? लज्जत को लेना। हमने इतना श्रवण किया, लज्जत आई? लज्जत आई हमें? थोड़ा सा खुल के बोलिए, लज्जत आई? जब वो लज्जत आएगी, अब बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप ही परीक्षा हो जाएगी, सेल्फ इवैल्यूएशन, कि जब लज्जत आई तो अपने आप को पर्दा क्षीण हो जाएगा, प्रणाचार्य की जय हो जाएगा, तो हमें उसके बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो धनी क्या कहते हैं, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं उसे आत्मसात करते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, बस आपका वही काम। और जो बाकी करना है वो वाणी की पावर अपने आप कर लेगी, आपको थोड़ी ना करना है। साथ जी, वाणी को लेने के लिए बस विराजमान जब हो तो पूरी तरह मन को, बुद्धि को, चित्त को लगा करके बस इसको खींचने का काम करो। उसे तब मन को कहीं और दौड़ने मत देना, चित्त को कहीं और जाने नहीं देना। जो समय आपने दिया उस समय के अंदर पूरी तरह से जब आप संलग्न हो जाएं, बस वो ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर इलम सहूर मेहर हुकम, ये चारों चीजें होए एक ठोर, तिल खेच लिया मता अरस का, पट नहीं कोई और। वो पट कब उड़ता है? जब इलम, ये इलम है, वाणी क्या है? इलम है। ये इलम जब आ गया, इलम के उपरांत अब धनी की मेहर होनी है। ऐसा नहीं कि बैठे इलम को सुना, बैठे इलम को हमने पढ़ लिया, वो बात नहीं है। वो इलम को दिल में जब उतारा, मैंने कल एक एग्जांपल दिया था याद है, पीने वाला, वो कब चढ़ती है, रंग कब चढ़ता है? जब वो अंदर उतरे। सिर्फ जुबान तक पहुंचने में रंग नहीं चढ़ता। इसी तरह जब वाणी को आपने लिया, सुना, सब किया, मगर जब तक अंतर में नहीं उतारा, उसका नशा नहीं चढ़ता, तो मेहर की अनुभूति भी तब ही होती है। जो देखना चाहे उसे ही मेहर नजर आती है, नहीं तो होते हुए भी मेहर नजर नहीं आ पाती। तो यहाँ पर श्री प्रणा जी ने एक चौपाई के एक चरण में चार बड़ी दैवतों को समझाया, इलम सबूर मेहर हुकम। जब ये चारों चीजें एक हृदय में उतर जाए, वहां पर्दा नहीं रहेगा। तो पर्दे को दूर करने के लिए
मार्ग है, उसके ऊपर क्या चाहिए, मेहर चाहिए। जहाँ मेहर होगी वहाँ हुक्म तो होगा ही होगा। और जब आप इस इलम को मेहर के द्वारा लेने लगे तो सहूर प्रदान कौन करेंगे, कौन करेंगे? धनीज के बिना इस सहूर को कोई बख्शीश नहीं कर सकता। सात जी, यहाँ पर श्री प्रणा जी देखो इतना वर्णन करने के बाद हक की छाती अंग हेड़े का वर्णन किया, हेड़े के अंदर जाकर ने भी जब वर्णन कर दिया, फिर भी महामति क्या कहते हैं अंतिम चौपाई में, महामत कहे बोलू हुक्मे अरस मसाला ले, दरगा ही रूहन को सुख असल देने के। मैंने बात की तो कहां से बात की, या संसार का मसाला लेकर बात करनी पड़ी। देखो हृदय जो हमारे पास भी है, उस हृदय को समझाने के लिए यहां संसार के शब्दों से समझाया गया, धनी के हृदय को समझाने के लिए संसार के हृदय का एग्जाम्पल लेकर के यहां पर समझाना पड़ा। मगर सुंदर सांची वास्तव में समझाना क्या था, धाम धनी के हृदय को समझाना था। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा करके कंपैरिजन मिलता जाएगा कि संसार का हृदय और धाम धनी का हृदय, इन दोनों के अंदर में क्या अंतर है, क्या तफावत है। अब साथ जी हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, लेकिन इसका भी हम सदुपयोग करते हैं। इस अल्प समय के अंदर श्री राजे महाराज के कंठ मुखारविंद के ऊपर जो महामति ने प्रकाशित किया हुआ जो चौपाइयां हैं, उसे अल्प समय के अंदर हम श्रवण करते हैं। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जल गुलाब, धनी जी का मुखारविंद कैसा है, अत्यंत गौर अत्यंत उज्जवल गुलाल सा, यानी कि जो गुलाल के अंदर एक लालिमा का वर्णन है, एक गुलाबी पन का जो वर्णन नजर आता है, इसी प्रकार से तुलना करते हुए महमती कहते हैं कि पिया जी का नूरी मुखड़ा वो कैसा है, गुलाल वर्ण का। क्यों कहो सलू की नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल, उन नूर तजल्ला के माशुक जिनसे सभी के अंदर नूर पहुंचता है, एक एक रेत कण में एक एक वस्त्र में अलंकार में श्यामाज में रूहों में वृक्ष पौधों सब के अंदर जिनसे नूर पहुंचता है वो है नूर जमाल। और नूर जमाल धनी के नूर के विषय में मैं क्या कहूँ, मैंने सबको जोड़ करके वो नूर को इंगित मात्र कर दिया है। सुंदर साह जी बाहें मेरे माशुक की, मेरे प्रियतम धनी की जो बाहें हैं वो कैसी है, प्यारी लगे मेरी रूह, उस रूह को जब वो बाहों का दर्शन करती है तो इतना प्यारी लगती है वो बाहें कि उन बाहों के अंदर में मैं सिमट जाऊं और धनी मुझे हमेशा के लिए आलिंगन करके अपना बनाए। अंग रंग सलू की सुभान की, और उनके यावत अंगों को देखिए, यावत अंग के रंगों को, सलू की यानी शोभा सुंदरता को जब आप देखें, चकलाई उज्जल गौरव उज्ज्वलता से परिपूर्ण, ये उज्ज्वल कहने का तात्पर्य क्या है, हम कभी किसी को देखकर कहते हैं ये तो दूध सा उज्ज्वल है, दूध से उज्ज्वल है, क्यों, क्योंकि हम उतने उज्ज्वल नहीं होते जितना दूध होता है, और उसे देख करके एक कंपैरिजन, हालांकि वो दूध जैसा नहीं है, मगर कंपैरिजन क्या है कि उसके अंदर एक खिलता हुआ प्रसन्न होता हुआ कलर होता है। ऐसे ही जो श्री राजी महाराज की शोभा को निहारे तो वो गौर उज्ज्वल शोभा खिलता हुआ गुलाल रंग आपको नजर आता है। जो श्री राजी महाराज की सूरत कैसी है, अमरद सूरत कही गई है, अर्थात 16 वर्षीय स्वरूप किशोर अवस्था का वो है अमरद सूरत। खबे देख दो खूबियां, अब धनी जी के खबे शोल्डर्स को जब आप देखते हैं तो वो भी अत्यंत खूबियों से परिपूर्ण है। खबे, अब जब खबों का वर्णन किया तो कहते हैं खबे मच्छे कोनिया और कलना कांडन, ध्यान से सुनिएगा, खबे मच्छे यानी बाजुएं,
कोनिया यानी कि जो हाथ की कोणी होती है, और इसी तरह जो कलाई का हिस्सा और उसमें कांडा बना हुआ है। तो श्री राज जी के वो संपूर्ण हस्त कमल का वर्णन यहाँ पर किया। फिर उसके बाद पहुंचे और हथेली जिसके अंदर में अंगुलियों को देख रहे हैं, पतली नाजुक अंगुलियां, और उन अंगुलियों के अंदर श्री राजी वरा ने अलग अलग रंग बिरंगी अंगूठियों और मुद्रियों को धारण किया हुआ है। नूर क्यों कहूं नखन, अब नखों के नूर को कैसे कहूं, एक एक नख से जो तेज ज्योत निकल रही है वो सर्व ज्योतों को चीर करके निकल जाती आसमान में, उसकी आभा आपको नजर आती है। हर चीज का अपना नूर है और वो नूर नूर से टकराता है। जैसे कहा ना, प्रातः काल धाम दरवाजे के ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और दरवाजे में बने हुए पत्र फूल वेले तकासी और जो नग जड़े हैं उनमें से नूर छूट रहा है। वो नूर की किरणें सूर्य की नूरमय किरणों के साथ में जब आकाश में जंग करती हैं तो आपने क्या देखना है, वो नग को मत देखिए, सूर्य को मत देखिए, जहाँ बीच में जंग हो रही है उससे आप निहारिए। तब समझ में आता है कि कैसे वो नूर से नूर जंग कर रहा है। जिसे अंधकार हो, टॉर्च जलाई जाए तो वो प्रकाश चीरता हुआ अंधकार को कैसे निकल जाता है, वैसे ही श्री राज जी के नथ अंग से जो नूर जो तेज निकल रहा है वो सारा तेज आसमान को पहुंचता है और जब धरी मुद्रियों को हिलाते हैं, संचालन करते हैं, उस समय तो रूहों की जो दशा होती है, रूहों के दिल में जो चोट लगती है उस समय वो तो रूहे ही जानते हैं सुदर्शन जी। अब यहीं पर हम वर्णन को रखते हुए यहाँ मंगलाचरण तमाम होता है और उसके आगे श्री राजी महाराज के कंठ मुखार भी उसी के साथ साथ श्रवण नयनों की, जुबान की और नेत्रों की जो अत्यंत सुंदर शोभा श्रृंगार का वर्णन है उसे हम आगे श्रवण करेंगे। लेकिन सुंदर सांत जी से यही गर्वबद्ध प्रार्थना है कि जो जो आपने श्रवण किया उसे श्रवण मात्र नहीं हृदयंगम कीजिएगा। तो हमने जो मेहनत करी है वो आपके दिल में यदि वास्तु की छवि गढ़ जाए ना, बस वही चाहिए, वही हमारा लक्ष्य होगा, वही उद्देश्य होगा, उसी से हम अपनी मेहनत को सफल मानेंगे। तो प्यारे सुदर्शन जी, अब यहाँ हम एक चौपाई को दोहरा करके यहाँ नजर को विराम देते हैं। ज्यों ज्यों हाथ की अंगूरी होत है चलवन, त्यों त्यों नख ज्योत आकाश में नहरे चली जात रोशन। वो नहरे उठ करके आसमान में उस रोशनी के द्वारा आसमान भर जाए, ऐसे नूर जमाल के नखों से वो नूर छूटता है। जब नखों से इतना नूर छूटता है तो उंगलियों से कितना, पहुंचों से कितना, संपूर्ण हस्त कमल से कितना, लेकिन संपूर्ण राजी महाराज के स्वरूप से कितना नूर छूटता है। तो यही चितवन हमारे दिल में चलता रहे, हम जो भी काम करें धनी जी को वो नूरी छवि हमारे दिल से न छूटे, बस यही सद्भावना, यही शुभकामना। आइए सुंदर सा जी चौपाई को दोहराते हैं। ज्यो ज्यो हाथ की अंगूरी, श्री धाम के धन
शुभ्रवर्ण